आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर फोर का चैप्टर वन, और चैप्टर वन का ये भाग फोर है। भाग थ्री तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर नहीं, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो ये इसका भाग चार है, तो भाग तीन तक हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब ये भाग तीन तक इसमें क्या पढ़े थे, चीन में यूरोपियनों का आगमन कैसे हुआ, चीन के बारे में पढ़े थे, और चीन में कब कब यूरोपियनों का आगमन हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि प्रथम अफीम युद्ध हो गया था। प्रथम अफीम युद्ध में जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की, यानी कि इंग्लैंड वालों की ब्रिटिश की जीत हो गई थी। और ब्रिटिश की जीत होने के बाद ये कब खत्म हुआ था प्रथम अफीम युद्ध, 1842 में। लेकिन ये ऐसे खत्म नहीं हुआ था, उसका परिणाम भी बताए थे, लेकिन ऐसे ये खत्म नहीं हुआ था, ये संधि किया गया। खत्म होने के बाद दोनों तरफ से संधि हुआ। अब संधि का मतलब समझिए, संधि मतलब क्या होता है, क्या संधि मतलब समझौता होता है, दोनों तरफ से बातचीत करके जो समझौता का हल निकाला जाता है और लिखित रूप से वो समझौता रहता है और उस पर दोनों तरफ का हस्ताक्षर होते हैं, उसी को संधि कहते हैं। अब दोनों तरफ की बातें अपने अपनी मांग रखेंगे, और मांग देखिए जो जीता हुआ रहेगा उसी का ज़्यादा बात माना जाएगा ना। मान लीजिए दो को युद्ध हुआ, ठीक है, यहीं पर युद्ध हुआ था चीन और मान लीजिए अंग्रेजों के बीच में, मान लीजिए क्या हुआ चीन और अंग्रेजों के बीच में प्रथम अफीम युद्ध जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, तो संधि हुआ। तो संधि में सबसे अधिक बात किसका रखा जाएगा, चीन वाले का या अंग्रेज का? चीन वाले तो पहले से हारे हुए हैं, वो क्या बात अपना रखेंगे, उसके बात माना भी नहीं जाएगा। तो ये सबसे अधिक बात किसका माना गया होगा ये संधि में, अंग्रेजों का। और ये देखिए संधि क्या नाम है, नॉन किंग की संधि, ध्यान रखिएगा नॉन किंग की संधि। ये हुआ था 29 अगस्त 1842 में, ये संधि हुआ था, ध्यान रखिएगा ये कब 1842 में ये संधि हुआ था, ध्यान रखिएगा ये 1800 कब हुआ था, 42 में। अब ये इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इस संधि के तहत हुआ क्या क्या था, मतलब क्या क्या अंग्रेजों को मिला, क्या ये चीन के पास रहा, क्या हुआ, पूरे डील में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये संधि के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। ध्यान रखिएगा जब भी चीन के द्वितीय प्रथम अफीम युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे तो ये नॉन किंग की संधि के बारे में वर्णन करने के लिए आता है। और कई बार प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नॉनकिंग की संधि के तहत क्या क्या होता है, कैंटन बंदरगाह, अमो, कुचाऊ, निंगपो और शंघाई, ये सारे जो बंदरगाह थे ये सब बंदरगाह, इसमें से कुल 5 गो बंदरगाह हो गए, ये 5ों बंदरगाह अंग्रेजों के पास चले गए। इस संधि में क्या लिखा गया, अंग्रेजों ने कहा कि ये 5ों बंदरगाह हमारे हो जाएंगे, तो कब्जा कर ही लेते, अफीम युद्ध जीतिए गए थे, तो इन्होंने कहा कि 5ों बंदरगाह किसके होंगे, हमारे होंगे, ठीक है, मतलब इस पर पूर्ण रूप से शासन किसका रहेगा, हमारा। लेकिन चीनी सरकार का भी कुछ बात रहेगा, ऐसा बात नहीं कि सब पूरा इंग्लैंड वालों का ही बात रहेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि इन सभी जगहों से ये अंग्रेज व्यापार कर सकते थे, चीन सरकार अपने से रोक नहीं लगा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंटन, अमो, कुचाऊ या निंगपो या शंघाई जो बंदरगाह है, यहाँ पर चीन के सैनिकों के साथ साथ ये इंग्लैंड के सैनिक भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बंदरगाह पर नियंत्रण हो गया, उसके बाद हांगकांग द्वीप को तो कब्जा कर ही ले, तो पहले ही बताया था कि हांगकांग द्वीप पर कब्जा ये लिखित रूप से हो गया, कि हांगकांग द्वीप पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। इस संधि के तहत हुआ कि दे दिया गया किसको, ब्रिटिश को दे दिया गया। उसके बाद इस संधि में क्या और वर्णन किया गया, चीन द्वारा आयात और निर्यात पर समान तट कर कर लगेंगे। अब इसका मतलब समझिए, लगेंगे टट कर, समान टट कर लगेंगे, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, लगेंगे चीन द्वारा। अब देखिए मान लीजिए चीन का, यहाँ पर समझिए ये चीन हो गया, ये चीन का, ये चीन हो गया, अब चीन का ये बंदरगाह हो गया, तो यहाँ पर कोई भी अपना नाव लेकर आता था तो यहाँ पर कर लगाया जाता था, यानी टैक्स, यहाँ पर क्या लगता था, टैक्स, और ये टैक्स चीन सरकार निर्धारित करती थी। लेकिन प्रथम अफीम युद्ध के बाद ये जो नॉन किंग की संधि हुई इसमें ये वर्णित किया गया कि चीन द्वारा आयात और निर्यात पर, यानी सामान जो खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, इस पर
टट कर तो लगेगा, लेकिन ये कर समान समान होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा। और एक और बात लिखा गया, इसमें लिखने का जगह नहीं था, नहीं तो हम लिख दिए होते कि चीन सरकार द्वारा ये टट कर बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, ये बढ़ाया या घटाया जाएगा ब्रिटिशों के कहने पर, यानी कि ब्रिटिश जब तक नहीं इसमें सहमत होंगे आप अपने से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कि जो भी अब कर लगेंगे, कर खुद से चीन सरकार नहीं घटा बढ़ा सकती है, किसके कहने पर ये सब होगा, ये अगर सलाह देंगे ब्रिटिश वाले तभी होगा। तो बताइए ब्रिटिश वाले खुद कहेंगे कि हमारा कर बढ़ाइए, कि हम सामान यहाँ पर से बेच रहे हैं तो कर बढ़ा दीजिए, कहेंगे उनको तो व्यापार करना हो तो, और नहीं कहेंगे। देखिए ये सारा जो इसमें नॉन किंग की संधि में जितनी भी बातें लिखी जाएगी सब ब्रिटिशों के पक्ष में ही बात होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि युद्ध कौन जीता है, ब्रिटिश, तो किसके पक्ष में होगा, ब्रिटिशों के पक्ष में होगा। अंग्रेजों पर मुकदमा उन्हीं के कानूनों के अनुसार होगा, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को कानूनों के अनुसार होगा। अंग्रेजों पर मुकदमा हुआ था ना, कहां पर मुकदमा हुआ था अंग्रेजों पर, वो पीट दिए थे, जो अंग्रेज थे कहाँ के नागरिकों को पीटे थे, चीन के नागरिकों को पीटे थे, साथ में एक नागरिक की मृत्यु भी हो गई थी, इसीलिए ना प्रथम अफ्रीम युद्ध शुरू हुआ, और कई भी कारण थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों पर मुकदमा हो गया था, तो ये इसमें लिखवाया गया कि आगे भी अगर अंग्रेज किसी को पीटते हैं, किसी को मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंग्रेजों पर जो मुकदमा होगा चीन के अदालत में नहीं होगा, ये चीन सरकार ये तय नहीं करेगा, ये मुकदमा चलेगा, ये अंग्रेजों के कानून के अनुसार मुकदमा चलेगा और अंग्रेजों के अदालत में ही चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर अदालत नहीं लिखे हैं, इसमें अदालत भी आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, अंग्रेजों पर मुकदमा उन्हीं के कानून के अनुसार होगा तथा उन्हीं के अदालत में होगा, यहाँ चीन में कोई नहीं मुकदमा होगा। यानी कभी भी कुछ भी करे अंग्रेज, समझ लीजिए कि ये कभी भी किसी को मार दे, किसी को पीट दे, कुछ भी कर दे, ये जितना भी मुकदमा होगा, ये मुकदमा चलेगा, ये अंग्रेजों के कानून के अनुसार ही चलेगा और अंग्रेजों के अदालत में चलेगा, समझ लीजिए। ये खुलेआम इनको किसी को पीटने की मारने की छूट मिल गई, समझ लीजिए, एक तरह से वही ना हुआ, किसी को भी पीटने मारने की छूट मिल गई, क्यों मिल गई छूट किसी को पीटने की, क्यों, इसलिए क्योंकि ये अब बताइए मुकदमा उन्हीं के अदालत में चलेगा और उन्हीं के कानून के अनुसार, तो उनको सजा होगा, ऐसा लगता है कि उन्हीं को सजा हो जाएगा, नहीं होगा, समझ लिया, खुलेआम इनको अंग्रेजों को किसी को भी पीटने की शक्ति मिल गई। उसके बाद नॉर्थ अफीम के हर्जाने के रूप में 60 लाख डॉलर का ये क्षतिपूर्ति करना था। हीरो बन के चीनी सरकार ने जो पानी में उलटवाया था अफीम उनके अधिकारियों द्वारा, अब लो भुगतान भी करना पड़ा 60 लाख डॉलर का, किन को, अंग्रेजों को, जो पानी में उलटवाया गया था उसी के कारण सब युद्ध शुरू हुआ था। अफीम को अगर ना पानी में उल्टवाया जाता तो उन लोगों को ज़्यादा क्षति भी नहीं होती, और ज़्यादा क्षति नहीं होती तो ये प्रथम अफीम युद्ध चालू भी नहीं होता। लेकिन ये जो चीनी सरकार ने किया ये अपने मजबूरी में किया, क्योंकि वहाँ के लोगों को इतना लत लग गया था अफीम का कि चीनी सरकार के विरोध में ही खड़े हो गए थे, इसीलिए, और देश का नुकसान भी हो रहा था तो उनको मजबूरी बन गया। लेकिन इनको उल्टा क्या करना पड़ा, 60 लाख डॉलर का भुगतान भी करना पड़ा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस संधि में कुछ ऐसी बातें थी जो हुई ही नहीं, कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल नहीं हुई। और एक बात यहां पर इसमें और एक लिख लीजिएगा, इस संधि के तहत ये कहा गया कि जब भी ब्रिटिश के बड़े अधिकारी किसी चीन के सम्राट को या चीन के राजा को जब पत्र लिखेंगे तो उस पत्र को प्रार्थना पत्र अब नहीं कहा जाएगा, पहले प्रार्थना पत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि चीन के जो बड़े अधिकारी अगर कोई पत्र चीन के बोल रहे हैं ब्रिटिश के जो बड़े अधिकारी चीन के राजा के पास कोई भी पत्र लिखते थे तो उसको प्रार्थना पत्र कहा जाता था, कि आपसे निवेदन है कि ये ऐसे कर दीजिए या हमको यहाँ पर एंट्री करना, मान लीजिए कि चीन के सरकार के पास कोई भी ब्रिटिश अधिकारी पत्र लिखा, इसको प्रार्थना पत्र बोलते, ध्यान रखिए जाए, प्रार्थना पत्र बोलते थे कि आप प्रार्थना ये करते थे कि आप हमको ये चीन में व्यापार करने की अनुमति दीजिए, प्रार्थना करते थे कि हमको अनुमति दीजिए, निवेदन करते थे। लेकिन अब इसमें कहा गया कि चीन ब्रिटिश के जो बड़े अधिकारी हैं अब जो पत्र इनके द्वारा चीन सरकार को दिया जाएगा वो प्रार्थना पत्र न कहकर संदेश पत्र कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, संदेश पत्र कहा जाएगा। यानी कि ये कहा गया, अब प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ये कहा गया कि चीन सरकार और ब्रिटिश का अधिकारी दोनों बराबर हैं, ये ब्रिटिश का अधिकारी अब प्रार्थना नहीं करेंगे चीन सरकार के सामने, ये कहेंगे कि हाँ संदेश भेजवाया गया है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, ये नहीं कहा जाएगा कि प्रार्थना पत्र भेजवाया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिख लीजिएगा कि ब्रिटिश के बड़े अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले पत्र को प्रार्थना पत्र न कहकर अब संदेश पत्र कहा जाने लगा,
इतना हुआ बात संधि में, ठीक है। अब संधि के बाहर भी मेन बात तो हुआ ही नहीं, जिसके लिए लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, वो तो बात हुआ ही नहीं। अफीमे के लोग हुआ था ना कि अफीम मत बेचो, अंग्रेजों को यही कहा गया था ना कि अफीम मत बेचिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन इस संधि में ये वर्णन हुआ ही नहीं कि अफीम बेचा जाएगा कि नहीं बेचा जाएगा, मतलब अंग्रेज जो है वो अफीम बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। और एक बात, इस संधि में कहे थे अंग्रेज कि लिखवाने के लिए कि हाँ हम अफीम कानूनी रूप से बेचना चाहते हैं, लेकिन चीन सरकार नहीं मानी। और ये भी नहीं इसमें चीन सरकार द्वारा बात वर्णन करवाया गया कि आप अफीम नहीं बेच सकते हैं, ये भी नहीं हुआ। मतलब मेन बात हुआ ही नहीं कि अफीम अंग्रेज बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, इस बात का वर्णन किया ही नहीं गया। तो बताइए अंग्रेज क्या करेंगे, अफीम बेचते कि ना बेचते। मेन झगड़ा उसी लिए हुआ था, अफीम बेचेंगे नहीं, फिर अफीम बेचना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। अफीम बेचना, इस संधि का महत्व क्या था, इस संधि का मुख्य रूप से महत्व, देखिए संधि का महत्व भी लिखने के लिए आ जाएगा। तो मुख्य रूप से यही महत्व था कि सारे बात ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारी कह सकते हैं, सरकार क्या, ब्रिटिश सरकार नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों की बात मानी गई। और चीन के जो मंचू ध्यान रखिएगा, मंचू वंश का शासन था, मंचू वंश के शासकों की कोई बात नहीं मानी गई, कोई बात नहीं मानी गई। और मुख्य रूप से जिस अफीम के लिए युद्ध हुआ था उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। और ये भी नहीं वर्णन है कि वो अफीम बेचा जाएगा कि नहीं बेचा जाएगा, जिसके बाद अंग्रेज और ज़्यादा मात्रा में अफीम लाकर बेचने लगे, और ज्यादा मात्रा में अफीम लाकर बेचने लगे और अपनी मनमानी करने लगे, क्योंकि वो युद्ध जीत चुके थे। अब देखिए इसके बाद अन्य देशों का चीन में प्रवेश, अन्य देशों का भी चीन में प्रवेश होने लगा, ध्यान रखिएगा। अब अन्य देश आकर क्या कह रहे हैं चीन के सरकार से कि हमसे भी संधि कर लीजिए, लग रहा है कि संधि बट रहा है फ्री में, हमसे भी कर लो संधि। अरे ये युद्ध जीता है तब ना संधि किया गया है, कि फालतू में ऐसा ही संधि किया गया है। बाकी जो देखिए रूस, फ्रांस और स्पेन दिखाई दे रहा है, स्पेन, अमेरिका, खासकर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी जो देश है, यहाँ के जो अपने अपने यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी आकर और चीन के सरकार से कह रहे हैं कि हमसे संधि करो। अरे संधि फ्री में मिल रहा है, कोई बट थोड़े रहा है संधि। संधि अंग्रेजों से इसलिए किया गया ताकि अंग्रेज हराए थे, तो संधि नहीं किया क्या चीन की सरकार, संधि करती नहीं, संधि क्यों, किस बात के संधि, जब कोई हारा ही नहीं है, कोई जीता ही नहीं है, युद्ध ही नहीं हुआ, तो संधि किस बात का, संधि यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका वाले, रूस वाले, ये फ्रांस वाले एंट्री करने लगे कहाँ पर, चीन में, क्योंकि चीन की सरकार अब कमजोर पड़ गई थी और ब्रिटिशों का वर्चस्व बढ़ गया था वहाँ पर, इन सारे जगहों पर। बताइए कैंटन, अमे, कुचाउ, निंगपो, शंघाई बंदरगाह, ये सारे बंदरगाहों पर ब्रिटिशों का क्या बन गया था, वर्चस्व हो गया था, जिसके कारण कोई भी विदेशी क्या करता था, एंट्री मार जाता था इसमें, और सभी विदेशी अपना अपना मनमानी करने लगे, जिसके कारण चीन सरकार बार बार अफीम पर प्रतिबंध लगा रहा था कि अफीम मत बेचो, गलत काम मत करो। और एक बात, ये अंग्रेजों द्वारा चीन के लोगों पर गलत व्यवहार, चीन के लोगों के साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव चालू हो गया। क्यों चालू हो गया, क्योंकि इसमें वर्णन था कि अंग्रेजों द्वारा मुकदमा उन्हीं के कानून और उन्हीं के कानून के अनुसार उन्हीं के अदालत में चलेगा। लो अब कोई दिक्कत नहीं था उनको, किसी को पीटो मारो कोई दिक्कत नहीं उनको, कि चलो ना हमारे यहाँ ना चलेगा अदालत में, उसके बाद हम देख लेंगे क्या होगा, हमारे कानून के अनुसार ना चलेगा। लो यहाँ पर खुलेआम रूप से ये बात कहा जा रहा है, ये अंग्रेज किसी को भी पीटे कोई दिक्कत नहीं, गलत करने, जिसके कारण लोगों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई अपने ही सरकार के खिलाफ। क्यों, क्योंकि उनको लगने लगा कि हमारी ही सरकार कमजोर है, इतने कम सेनाओं के साथ अंग्रेज आए यहाँ पर हराए, हराने के बाद ये सब संधि करवाए, इतने बंदरगाहों पर कब्जा कर लिए, पांच बंदरगाहों पर कब्जा कर लिए, साथ में किसी को भी आकर पीट रहे हैं, राज्य में कोई कुछ कर नहीं रहा है, और जो मुकदमा भी हो रहा है उन्हीं के अदालत में, उन्हीं के कानून के अनुसार चल रहा है। तो लोगों के बीच ये विद्रोह की भावना बढ़ने लगी कि मंचू सरकार जो है ये बहुत ही कमजोर सरकार होने लगी है, ये कमजोर सरकार है। अब इसी के कारण द्वितीय अफीम युद्ध चालू हो गया। क्या हुआ, अब सरकार भी परेशान, जनता भी परेशान, सरकार को अपना साम्राज्य बचाना है ना, वहां के राजा को अपना साम्राज्य बचाना है,
राजा को ये लग रहा था कि अगर दोबारा हम युद्ध ना करेंगे अंग्रेजों से अफीम के खिलाफ तो अभी और ज्यादा जनता हमारे ही खिलाफ क्या कर देगी, विद्रोह, जिसके कारण 1856 में युद्ध चालू हो गया, द्वितीय अफीम युद्ध, और ये चला 1860 तक, ध्यान रखिएगा 1860 तक। और ये अफीम युद्ध चलता कैसे था आपको पता है, कुछ देर युद्ध होता था फिर बंद, युद्ध बंद, युद्ध बंद, ऐसे चलता था। और द्वितीय अफीम युद्ध का कारण क्या था, अब कारण समझिए, विदेशियों की शरारते, इनकी शरारते बढ़ गई थी, शरारते का मतलब समझते हैं विदेशियों, अंग्रेज की शरारते, कुछ भी कर देते थे, कुछ भी वहां के चीन के लोगों के साथ गलत व्यवहार करना तथा चीन के लोगों के साथ किसी के साथ कुछ भी कर देना, और साथ में अन्य देश के व्यापारी भी चीन में मनमाने ढंग से सामान खरीदने लगे और सामान बेचने लगे, साथ में ब्रिटिश व्यापारी भी चीन में मनमाने ढंग से सामान बेचते थे, और अफीम की बिक्री और तेज कर दी और अफीम और ज्यादा मात्रा में लाने लगे। साथ में चीन के नागरिकों को पकड़ कर दूसरे देश में ये लोग लेकर जाने लगे, कहाँ क्या करने लगे, चीन के नागरिकों को पकड़ कर दूसरे देश में, यही कारण था द्वितीय अफीम युद्ध का। कहो देखिए, 1, 2, 3, 4 का पांचों का कारण था, लेकिन मुख्य कारण बता रहे कारण क्या था द्वितीय अफीम युद्ध होने का, सिर्फ यही कारण नहीं था कि वहां के लोगों को लोगों को विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, यही नहीं कारण था, कि सबसे पहला कारण विदेशियों की शरारतें बढ़ गई थी, अंग्रेज अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर देते, किसी को पीट देते थे, किसी को कुछ भी कर देते थे, साथ में अंग्रेजों द्वारा वहां के आम नागरिकों को पकड़ कर दूसरे जगह पर लेकर जाने लगा। आपको पता भी है अंग्रेज क्या करते थे, लोगों को पकड़ कर और दूसरे जगह पर, द्वीपों पर, दूसरे जगह काम करवाने के लिए लेकर जाते थे, उस देश से उठाकर दूसरे देश, तो यहाँ पर भी वही होने लगा। और चीन सरकार चुपचाप ऐसे देखने लगी, बस देखती रह गई, चीन सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध चीन सरकार को क्या करना पड़ा। साथ में चीन में आंतरिक विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी, लोगों को मंचू सरकार से भरोसा उठने लगा, मंचू सरकार से क्या होने लगा, भरोसा उठने लगा, ये सरकार कौनो काम का नहीं है, कुछ नहीं है, पहला अफीम युद्ध हारा, उसके बाद इतना संधि किया, साथ में अंग्रेज मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से अफीम बेच रहे हैं, लोगों को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, किसी को पीट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह भड़का, और इसके कारण भी जो सरकार है अपनी साम्राज्य बचाने के लिए द्वितीय अफीम युद्ध के लिए तैयार हो गए। साथ में नवीन संधि की मांग, 1842 में जो संधि हुआ था, अब अंग्रेज कह रहे हैं कि वो संधि से काम नहीं चलेगा और एक नया संधि करो, और नए संधि में ये सब कानून तो रहेंगे, ये सब बातें लिखी तो रहेंगी, साथ में और हमको सुविधाएं चाहिए, इतना सुविधा से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज जानबूझकर चाह रहे थे कि अब फिर लड़ाई हो, अंग्रेजों चाह रहे थे कि द्वितीय अफीम युद्ध हो, फिर इन लोगों को हम पीटे मन भर एकदम, उस समय पीटे नहीं थे बढ़िया से, सोच रहे थे कि फिर पीटे इन लोगों को द्वितीय अफीम युद्ध कराओ, क्योंकि अंग्रेज हरकतें ऐसे कर रहे थे कि दोबारा क्या हो युद्ध, देखिए वो चाहते थे कि युद्ध करके पूरे चीन पर क्या कर ले, कब्जा कर ले, तो युद्ध होगा तभी ना, तो ये नवीन संधि के क्या करने लगे, मांग करने लगे, नया संधि का मांग करने लगे। अब एरो जहाज की घटना थी, एरो जहाज की भी घटना हुई, क्या हुआ, एरो जहाज एक चीनी नागरिक का था जो हांगकांग में रहता था, और इस जहाज का जो कैप्टन था, जहाज चलाने वाला था, वो ब्रिटिश नागरिक था, ध्यान रखिएगा, और इन लोग बहुत और इस पर जो लोग सवार थे वो ब्रिटिश लोग सवार था, ध्यान रखिएगा, और इस पर एक बहुत ही भयंकर डाकू जिसको चीन सरकार कई सालों से ढूंढ रही थी, ये एरो जहाज में पर छिपा हुआ था, ध्यान रखिएगा क्या हुआ था, एरो जहाज पर छिपा हुआ था, मतलब कुछ समय पहले छिपा हुआ था, ये बात पता चल गई चीनी सरकार को, तो चीनी सरकार को क्या लगा कि ब्रिटिशों को कहने पर ही छिपाया होगा, तो एरो जहाज में एंट्री मार दिए, वहीं पानी वाला जहाज में एंट्री मार के जम के पिटाई किए, 14 लोगों में 12 लोगों को पकड़ कर और अपने युद्ध पोत में लेकर चले गए, युद्ध पोत मतलब समझते हैं, युद्ध पोत मतलब अपने जहाज में लेकर चले गए, कौन, चीन के, ये चीन के अधिकारी, कहाँ पर, अपने जहाज में, यहाँ से एरो जहाज से डाकू को सबको पकड़ कर लेकर गए, तो ये ब्रिटिश जो ब्रिटिश के मुख्य अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बहुत बड़ी गलती किए हैं, एक को तो पकड़ कर पीटे हैं, साथ में उन लोगों को लेकर गए, उन सबको छोड़िए, तो चीन सरकार ने कुछ को तो छोड़ दिया, लेकिन अब एक और बात, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप माफ़ी मांगिए, आप इन लोगों को पकड़े हैं, आप माफ़ी मांगिए, मतलब जानबूझकर ये चाह रहे थे अंग्रेज की, उस सरकार तो माफी मांगेगा नहीं, चीन सरकार माफी मांगेगा कभी नहीं मांगेगा, जब नहीं मांगेगा तो लड़ाई करेंगे, तो चीन सरकार ने माफी नहीं मांगा, ये चार कारणों के चलते ये द्वितीय अफीम युद्ध क्या हुआ, हो गया, इधर सरकार भी
थी कि युद्ध करना ही है और इधर अंग्रेज भी चाह रहे थे युद्ध करना ही है, जिसके कारण युद्ध चालू हो गया। और युद्ध चालू होने के बाद 4 सालों बाद युद्ध अंतिम में फिर समाप्त हुआ। फिर संधि के तहत क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। इसमें भी फिर किसकी हार हो गई, चीन के ही हार हो गई। और ये फिर और ज्यादा व्यापार और ज्यादा ये अंग्रेज जो है चीन में व्यापार करने लगा। एक नया देश की एंट्री हो गई चीन में, रूस की, किसकी एंट्री हो गई, रूस के, क्योंकि रूस ने भी मदद किया था ये अंग्रेजों का, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का मदद किसने किया था यहाँ पर लड़ने में, द्वितीय अफीम युद्ध रूस ने मदद किया था, जिसके कारण रूस की भी अब एंट्री हो गई कहाँ पर, ये चीन में। तो द्वितीय अफीम युद्ध तक हम लोगों को पढ़ना था, इससे आगे अभी नहीं पढ़ना था, जब पढ़ना होगा तो उस समय हम बताएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमें लगता है बहुत अच्छा था, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।